नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। जमशेदपुर के मानगो मून सिटी आवासीय कॉलोनी में आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में मून सिटी के और बाहर के महिला पुरुष उपस्थित थे, जिसमें चीफ गेस्ट के तौर पर पूर्व कोल्हान आयुक्त विजय सिंह को आमंत्रित किया गया। मून सिटी एक काफी बड़ी कॉलोनी है, जिसमें तकरीबन 300 मकान बने हैं। कॉलोनी के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और कैशियर भी उपस्थित थे। आम जनता ने विजय कुमार सिंह से मानगो क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बात की एवं उनको क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। मुख्य रूप से सचिव विश्वनाथ सिंह, सहसचिव सुशील जायसवाल, सतीश चंद्र, विनोद सिन्हा और काफी संख्या में लोग उपस्थित थे, जिनमें मून सिटी के निवासी सतीश चंद्र का जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाया गया। सतीश चंद्र मून सिटी के वरिष्ठ नागरिक है। विजय कुमार सिंह ने आश्वासन दिया है कि जो भी समस्याएं हैं, वह कोशिश करेंगे कि उन्हें दूर करें और लोगों को आश्वासन भी दिया कि जल्द से जल्द वे सभी समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे। वहीं कार्यक्रम का समापन अमित कुमार सिंह द्वारा किया गया। और मून सिटी के जैसा इन्होंने बताया, आपके प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि ये 3-4 प्रॉब्लम है, तो इस पर तो फोकस करेंगे। लेकिन मेरा जो प्रस्पेक्टिव है सामाजिक सेवा में आने का, इससे कुछ बृहद है। बृहद मतलब जो झारखंड की स्थिति है, आप सभी देख रहे हैं, जब ये आनंद हुआ तो हम लोग का सरप्लस बजट था, लगा कि अब खुशहाली आएगी, लेकिन वो हुआ नहीं। और जो आशाएं थी, अपेक्षाएं थी, वो पूरी नहीं हुई। जवाबदेही क्या बोल रहे हैं, सभी को जवाब दे, एक एक सिटीजन जवाब दे, सरकार जवाब दे, सिस्टम जवाब दे, उस सिस्टम को ठीक करने के लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज का आवश्यकता है जो नहीं बन रहा है। और मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं इस क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव निश्चित ही लड़ूंगा। आप लोग की क्या समस्या थी जो ये प्रोग्राम को किया आप लोगों ने? हम लोगों का समस्या तो ज़्यादा था कि कम से कम हमारे जो भूतपूर्व सेवानिवृत्त कमिश्नर साहब हैं, हम लोग उनसे मिले, इनकी इच्छाओं को जाने, और जो छोटी मोटी समस्या थे इनसे हम लोग अवगत कराए हैं, तो इन्होंने अपने प्रयास से उसे दूर करने का प्रयास। ये मून सिटी काफ़ी बड़ी कॉलोनी है, तो सिटी के अंदर की में क्या समस्या है आप लोगों, जो कमिश्नर साहब से आप बोल रहे थे? सिटी के अंदर है सबसे नाले की समस्या है। इसके दोनों किनारे में दो नाले हैं, लेकिन एक नाला में पूरा कचरा भरा हुआ है और बरसात के समय से ओवरफ्लो होकर पूरे परिसर में संक्रमण फैलाने के लिए काम करता है। इसके बारे में पहले आपने इसके बारे में हम लोग माननीय मंत्री जो अभी वर्तमान में है, सांसद सबके सामने उठा इस मुद्दे को उठाया गया समस्या को, लेकिन अभी तक समाधान का कोई रास्ता नहीं। जबकि हम लोग सोसाइटी में होल्डिंग टैक्स देते हैं, लेकिन यहाँ से कोई भी नगर निगम के माध्यम से कोई सुविधा अवेल नहीं। मंत्री जी के तरफ से कोई आश्वासन मिला आपको? आश्वासन तो बहुत मिला है, मगर काम हुआ अभी तक कुछ नहीं, मतलब धरातल पे कोई काम नहीं हुआ आप लोग का? ठीक, फॉगिंग भी टाइम से नहीं होता है। अच्छा, तो सर कुछ बोलेंगे इसके बारे में, आप बताइए सर। अभी अभी यहाँ के कोल्हान के जो वर्तमान कमिश्नर हैं मनोज जी, मैं उनसे बात किया हूँ और इन लोगों से अनुरोध है कि एक रिप्रेजेंटेशन वहाँ दें, उसकी कॉपी डीसी को दें, और यहाँ के जो लोकल निगम के पदाधिकारी हैं साथ उसकी फ़ोटो कॉपी हमको भी यदि उपलब्ध करा दें, तो मैं देखता हूँ कि क्या कर पाऊँगा। उनको भी मैंने कहा है कि जो जो समस्याएँ टीम बना के भेज के, और इस पर हम फिर आगे भी उनसे बात करेंगे और इन लोगों से भी पूछेंगे क्या कुछ समस्याएं दूर नहीं हुई। नहीं दूर होगी तो कायदे से तो आगे आना चाहिए, घेराव भी होना चाहिए, हम भी चलेंगे, लीड करेंगे, और हम सामान्य नागरिक हैं और आप लोग साथ चलेंगे बिल्कुल। और कैसे नहीं, आप लोग होल्डिंग टैक्स देते हैं, आपका हक बनता है कि जो भी यहाँ की छोटी मोटी समस्याएँ हैं उसे दूर करे सरकार, निगम दूर करे, और उनको करना चाहिए, और आपको अपना हक मांगना चाहिए और लेके रहना चाहिए। थैंक यू सर। खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।